नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा। जी हां, आपको बता दें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु और सनातन संस्कृति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से करती रहती है। आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणि जी महाराज जी के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उसी में से कुलदीप शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समान अधिकार पार्टी के, राग जो कि एक महागठबंधन है उसमें ये भी सम्मिलित हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर जो है इनको मनोनीत किया गया है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद धन्यवाद। आज समान अधिकार पार्टी, सपाक्स पार्टी और हिंदू महासभा का राजनीतिक गठबंधन हुआ है। ये राजनीतिक गठबंधन आगामी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सभी प्रदेशों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने 4 और 5% वोट पाया है। इसी तरह से हिंदू महासभा सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए काम कर रही है। तो हमारी विचारधारा समान विचारधारा है, इसलिए हमने इस गठबंधन को किया है। और हमारे साथ बहुत जल्दी कई राजनीतिक दल जुड़ने को तैयार हैं और जुड़ने जा रहे हैं। हम आज के बाद बहुत जल्दी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, उत्तराखंड के चुनावों की रणनीति की घोषणा करेंगे और चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा। एक और शख्स हमारे साथ में मौजूद है, आप क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम? आपका नाम? डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी। जी क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम और महागठबंधन पर? देखिए, हिंदू महासभा, सपाक्स पार्टी और समान अधिकार पार्टी तीनों ने मिलकर एक नए राष्ट्रीय गठबंधन का ऐलान किया है जिसका नाम राग रहेगा। हम लोग इस देश में एकता, सामाजिक सद्भाव कायम करने और इस देश के लोगों में भाईचारा जागृत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी तक वोट की राजनीति के लिए भाजपा और कांग्रेस इस देश के नागरिकों को जातियों में बांट रही है, धर्म के नाम से बांट रही है। हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश के नागरिक एक समान हैं और उनके लिए एक समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं, एक समान कानून चाहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो काले कानून हैं उनको समाप्त करने के पक्ष में हैं। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं और 50% मेरिट के आधार पर योग्य लोगों को मिले, 50% आरक्षण गरीबों को मिले। इस देश के शासकीय सिस्टम से जातिवाद खत्म होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि 5 राज्यों में 2022 के होने वाले चुनावों को लड़ेंगे और जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे। जी बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा। एक और शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। स्पष्ट तौर पर एक ही ध्येय और उद्देश्य है कि किस प्रकार राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए कार्य करें, कि जिस प्रकार से जो जनरल वर्ग और एससी वर्ग के बीच की जो दूरियां हैं, खाई है, उस प्रकार उसको एट्रोसिटी एक्ट जैसे चीज़ों का भी विरोध को लेकर इन्होंने ये किया है। एक और शख्सियत हमारे साथ है, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए। एडवोकेट गगन भाटिया, मेरे को स्वामी जी ने आज पंजाब हिंदू महासभा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। कैसा लग रहा है? और ये हमारे सुरेश जी हैं, ये प्रभारी हैं, ये काफ़ी समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये पहले इनसे पूछ लो ये सारा इंट्रोडक्शन। मैं सुरेश उन्मेशकर पंजाब से हूँ प्रभारी, और मेरे अंतर्गत गगन भाटिया जी को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया। मैं कई दस सालों से कम हिंदू महासभा चला रहा हूँ पंजाब के अंदर, और हिंदुओं के लिए जितना काम किया है वो गगन भाटिया जी को मालूम है। पूरे पंजाब को, आरएसएस को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, लेकिन बीजेपी 10 साल राज करके गई है पंजाब के अंदर, कम से कम 10 साल। ना संघ का आदमी कोई बोला, ना बीजेपी का कोई आदमी बोला। बीजेपी का डिप्टी सीएम पंजाब ने 10 साल राज किया, कोई हिंदुओं के लिए काम नहीं हुआ, सिर्फ वोटों के लिए हुआ। और ईसाई मिशनरी का जितना काम, ईसाई मिशनरी जो है जितना भी काम बीजेपी और संघ के कार्य में हुआ ना ईसाई मिशनरी, उससे ज़्यादा और कहीं नहीं हुआ काम। जी बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंजाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं हिंदू महासभा का पार्ट? देखो बहुत अच्छा, मैं 98 से जुड़ा हुआ हूँ हिंदू महासभा से, पिछले लगभग 25 सालों से जुड़ा हूँ हिंदू महासभा के साथ,
और हिंदू महासभा के लिए हम काम कर रहे हैं पंजाब में। ये हमारे प्रभारी हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। मेन जो है हमारा इशू जो है वो 2022 की इलेक्शन है। हमारा जो मेन एजेंडा है 2022 की इलेक्शन का, हम पंजाब में सभी सीटों पर हिंदू महासभा की तरफ से लाइक माइंडेड पार्टी के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हिंदुओं के जो 35,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था आतंकवाद के टाइम पे, उनको मुआवजा दिलवाना, उनका रिहैबिलिटेशन करना, और जो बाहर पलायन कर गए थे हिंदू उनको वापस लाना, और हिंदुओं को जो है वो जो उनका हक पंजाब में दिलवाना, और पंजाब में जो ड्रग्स का चल रहा है, जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, हम किसानों के हक में हैं। स्वामी जी ने भी किसानों के हक में बहुत कुछ किया है, हम भी किसानों के हक में काफ़ी कुछ बोले हैं। और ये जो किसानों की जीत हुई है, ये जो मोदी जी ने वापस लिया है, ये किसानों की जीत है, पंजाब के लोगों की जीत है। इसमें पंजाब के किसानों का, पंजाब के हर युवा वर्ग का, पंजाब के हर वर्ग का जो है वो सहयोग है। और बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा, थैंक यू सो मच।